बटोरने के लिए शुरू की गई नेकी की दीवार आखिर सुर्खियों में रहने लगी। इसका विवाद ही थमने का नाम नहीं लेता। कुछ दिन पूर्व ही अभिभाषक संघ ने नगर पालिका अध्यक्ष और जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से हनुमान चौराहे से अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। इसके विपरीत आज दिनांक तक वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके साथ ही अभिभाषक संघ के सदस्यों के साथ पुलिस ने भी जब अचानक नेकी की दीवार पर निरीक्षण किया तो पाया कि वहां पर नशे की हालत में युवक मिले। वहीं नेकी की दीवार का संचालन करने वाले पुष्पराज शर्मा ने बताया कि ये नेकी की दीवार आनंदमय मंत्रालय के सुपर्द कर दी गई है। वहीं इन सब के विपरीत आज फिर शहर के समाज से भी अभिभाषक एवं पार्टी पदाधिकारी जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर की उदारतापूर्ण रवैये के चलते नेकी की दीवार चल रही है। यह भी कहा गया कि जिला कलेक्टर ने अपना संरक्षण नेकी की दीवार रूपी अतिक्रमण को दे रखा है। इन सभी ने आरोप लगाया कि नेकी की दीवार के बगल में शुरू किया गया दवाखाना, जहां से दवाइयों का वितरण किया जाता है। वहीं इन सभी सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि नेकी की दीवार के बगल में शुरू किया गया दवाखाना, जहां से दवाइयों का वितरण किया जाता है, यदि उस दवाई से किसी मरीज को कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि नेकी की दीवार नहीं हटाई गई तो आगे से कभी भी कोई अतिक्रमण की विरोधी मुहिम चलेगी तो उसका बहिष्कार सभी दल एक साथ मिलकर करेंगे। साथ ही हनुमान चौराहे पर चक्का जाम जैसी स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। अब देखने लायक होगा कि इन तमाम दलीलों पर किस तरह से जिला कलेक्टर कार्रवाई करते हैं। तारीख को हमने ज्ञापन दिया था 1/3/19 को कलेक्टर महोदय जी को नेकी की दीवार को लेकर के, तो क्या है नेकी की दीवार पर नाम नेकी की दीवार है उस पर सब तरह के कार्य चल रहे हैं और वहाँ पर 24 घंटे के अंदर जो ज्ञापन देने वाले सेवक थे, जनसेवक थे, उन्होंने 24 घंटे के अंदर नशेलची भी पकड़वाए थे, नशे में अंदर पड़े हुए थे। कलेक्टर साहब उसको प्रोत्साहन देते हैं नेकी की दीवार संचालन करने वालों को, क्योंकि नेकी का दिल तो हमारे हर व्यक्ति का है, घर घर से नेकी की दीवार चल रही है, तो गुना में नेकी की दीवार की आवश्यकता ही नहीं है पहली बात। और दूसरी बात यह है कि बेशकीमती जगह है, वो गवर्नमेंट की जगह है, उस पर नेकी की दीवार के नाम पर कब्जा किया गया है और वहाँ से उन लोगों की अपनी जो गैर जनहित की कार होते हैं वो सारे कार वहाँ से चल रहे हैं। और वकील साहब जो गुना के पशुपराज जी हैं ना, उनका खुद का ऑफिस वहाँ से चल रहा है, वहाँ पर सूटकेस फाइलें पकड़ी गई हैं। एसपी साहब ने खुद देखा था वहाँ पर कि पशुपराज जी की फाइल और सूटकेस रखा हुआ है। तो जब सरकारी जगह है उस पर ताला डालने का अधिकार किसने दिया उसको, उन्होंने ताला डाल के अपने कब्जे में ले लिया है, जो बिल्कुल गैरकानूनी है, जिसमें उनकी तुरंत FIR होना चाहिए और तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए प्रशासन के लिए। वो जगह किसी आम नागरिक की नहीं है, वो प्रशासन की जगह है जिस पर उन्होंने ताला डाल के कब्जा लिया हुआ है। और जो आनंद मंत्रालय की बात कर रहे हैं, आनंद मंत्रालय समाप्त हो चुका है, आनंद मंत्रालय में कोई है ही नहीं, अपने बचाव के लिए आनंद मंत्रालय का जो नाम लेते हैं वो है ही नहीं। तो इस पर मेरा, हम सब लोग यहाँ पर, मेरे पूरे भाई हैं साथ में, हमारे वकील साहब वगैरह सभी लोग आए हुए हैं। तो माननीय महोदय जी अभी तक नहीं आए, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। ये सब है ना जनहितैषी बात करने आए हैं, किसी की यहाँ पर पर्सनल काम नहीं है कि किसी के जन अपना खुद का पर्सनल काम हो, ये जनहित के लिए आए हैं कि बेशकीमती जगह पर एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और उसमें ताला भी डाल लिया है, तो नेकी की दीवार को हटाया जाए। ये हम अभी बहुत शांत स्वभाव में कह रहे हैं, पर अगर हमको आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। नेकी की दीवार के संबंध में हमने 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को दिया था एक ज्ञापन, और उसमें हमारी मांग ये थी कि नेकी की दीवार नेशनल हाईवे पर हनुमान चौराहे व्यस्तम चौराया है वहाँ पर लगी हुई है और इसको 24 घंटे के अंदर हटाई जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। किंतु 24 घंटे निकल गए, कलेक्टर साहब का नव दुनिया समाचार पत्र में भी स्टेटमेंट था कि हम इसको हटाएंगे, ये समाचार पत्र भी मैं अपने साथ लाया हूँ, इसमें स्टेटमेंट था कलेक्टर साहब का। इस स्टेटमेंट के बाद भी आज तक नेकी की दीवार वहाँ से नहीं हटाई गई है। अब उसके कुछ सदस्य कहते हैं कि आनंद मंत्रालय से संबंधित है, तो आनंद मंत्रालय कमलनाथ सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया, तो अब आनंद मंत्रालय का कोई कुछ नहीं है। मान लीजिए उसके एक सदस्य स्टेटमेंट देते हैं कि आनंद मंत्रालय का है तो उस पर सरकार का कब्जा होना चाहिए, सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार भी नेशनल हाईवे पर कब्जा नहीं कर सकती। किसी भी अतिक्रमण कर सरकार अपनी जनहितैषी योजनाएं चलाएगी, सरकार को भी परमिशन नहीं दे सकती, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई हो। तो हम दोबारा से पूछते आए कि भाई 24 घंटे निकल गए हैं, 24 घंटे के बाद भी आज तक कार्रवाई नेकी की दीवार पर क्यों नहीं हुई है,
क्यों नेकी की दीवार हटवाई? आपने अभी देखा होगा 15-20 दिन पहले हनुमान चौराहे पर ऊपर जो गरीब दुकानदारों के छज्जे निकले थे बरसात और धूप से बचने के लिए, उनको नगर पालिका और प्रशासन ने अतिक्रमण मानते हुए बहुत जल्दी में हटा दिया। गरीब के आप कब्जे हटाओगे? पावरफुल आदमी उनके आप कब्जे नहीं हटाओगे? अगर किसी ने व्यक्तिगत तौर पर नेकी की दीवार पर कब्जा किया है तो नेकी की दीवार हटना ही चाहिए। और यदि नेकी की दीवार नहीं हटी तो मेरे वकील साथी आए, समाज सेवक नीलम बिंदल जी आए, समाज सेवक रमेश मालवीय जी आए, सुरेंद्र राठौर जी आए, सब लोग हम आए। यदि नहीं हटी तो फिर हमें आंदोलनात्मक रूप आगे इसको देना पड़ेगा। और जब हम आंदोलन करेंगे तो इसकी जवाबदारी सीधे तौर पर मैं आरोप लगा रहा हूँ कलेक्टर महोदय गुना की होगी, क्योंकि कलेक्टर महोदय गुना का इनको संरक्षण प्राप्त है। और यदि कलेक्टर साहब इसके जवाबदार हैं तो उनको जवाब इसमें देना ही पड़ेगा कि आखिर गरीबों के अतिक्रमण हटाए जाते हैं और अमीर आदमी की नेकी की दीवार पर 8-10 लोग समाज सेवा के नाम पर अगर ढोंग कर रहे हैं तो वो समाज सेवा नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि वहाँ से दवाई का वितरण हो रहा है, दवाई किसी को रिएक्शन कर जाएगी बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के, तो कौन जवाबदार होगा इसका? जवाबदार सिर्फ कलेक्टर महोदय होंगे। ये मैं आज फिर कह रहा हूँ कि कलेक्टर महोदय बहुत उदासीनता दिखा रहे हैं, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और अगर कलेक्टर महोदय कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित ही हम सबको हनुमान चौराहे पे चक्का जाम जैसी स्थिति भी पैदा करना ही पड़ेगी। और पुलिस भी आदमी के चालान बनाती है अतिक्रमण के लिए, तो भाई पुलिस प्रशासन भी चुप क्यों है? मैं अच्छा आदमी मानता हूँ पुलिस अधीक्षक जी को, किंतु इस मैटर पर भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए, कलेक्टर साहब से बात करनी चाहिए। नहीं तो हर अतिक्रमण पर हम लोगों को कार्रवाई करना पड़ेगी, और जब अतिक्रमण प्रशासन हटाएगा तो हम लोग फिर उस अतिक्रमण का विरोध करेंगे। इसलिए अभी उनको चाहिए कि सब में सामंजस्य बना रहे और बात कानून से चले, ये हम चाहते हैं।